एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बच्चे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे मेरी तरह। तो आज मैंने थोड़ी देर पहले की है बालकनी की क्लीनिंग, जो कि बहुत गंदी हो चुकी थी, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। वो पूरा क्लीन किया, उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि बालकनी वगैरह जो उसको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। बाकी जो घर का सारा काम मेरा जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कपड़े वगैरह मैंने सारे फोल्ड करके रख लिए। अभी टाइम हो गया 2 बज गए हैं और अभी हम करेंगे लंच। तो आज मैंने लंच में बनाया सफ़ेद चने, तो मैं आज भी वही लंच करेंगे। डेजी का खाना भी बना हुआ है, वो तो बेड के नीचे छुपी हुई है। आज सुबह उसने खाना नहीं खाया, इसकी वजह से उसको डांट पड़ रही है मेरे से। पता नहीं क्या रीज़न है, आज बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही है और सुबह से खाना नहीं खाया उसने आज। अंधेरा अंधेरा। देखिए, मैंने सारे घर की जो है पूरी एकदम बढ़िया से क्लीनिंग कर लिया। बालकनी भी बहुत अच्छे से क्लीन किया मैंने सारी। पीछे का पोर्शन जो है वो पूरा साफ है, डाइनिंग टेबल, टीवी वाला ट्रॉली जो है सब बहुत अच्छा लगता है, एकदम ना पॉजिटिव पॉजिटिव लगता है। ये देखिए, ये सारे कपड़े मैंने धो के यहाँ पे सुखा दिए और ना सारे सूख भी गए। ये देखिए सारे के सारे, ये शिल्पी की जो कुर्ती मैंने कल हाथ से धोई थी ना, वो वाली भी, और मैंने फिर उसके बाद अपनी ये वाली कुर्ती भी धोई थी, क्योंकि ये भी ना मैं उस दिन वडोदरा गई थी तो पहन के गई थी। ये भी मैंने पूरी हाथ से धोई है, ये देखिए। और बाकी जो कपड़े थे वो भी मैंने धो के अभी सुखा दिए हैं। ये वाले भी पूजा के जो कपड़े थे मैंने उस दिन चौकी पर बिछाए थे, ये सारे बस थोड़ी देर में उठा लूँगी अभी, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। और ये मेरे प्लांट भी काफ़ी अच्छे हैं, ये इसमें नए नए पत्ते निकल रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, फ्रेश फ्रेश एकदम। ये देखिए, दूसरी तरफ वाले भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, एकदम छोटू सा लगाया था मैंने और कितना सुंदर हो गया अभी ये। इस तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है ये ना, इसको मैं सिंगल सिंगल कर दूँगी दोनों को ना। इसके लीफ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी बड़े हो गए हैं। और ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ये नीचे ना काफ़ी लगाए हुए हैं सोसाइटी में। और ये वाला भी मेरा बहुत प्यारा है, अच्छा हो गया इसके भी कलर। उसे पत्ते थोड़े गंदे हो गए हैं, देखती हूँ एक दो दिन में धोऊंगी।
ये मेरा अजवाइन वाला पौधा, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें से हल्का सा हाथ लगाना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। बाकी सारे प्लांट भी ठीक है, लेकिन ये बस मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पता नहीं क्या रीज़न है इसका, सारे झड़ रहे हैं इसके पत्ते। देखूंगी, जाऊंगी नर्सरी वाले के पास ना, तो पूछूंगी उसको कि कुछ दवाई या कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ धो भाई, मेरा ये पौधा जो है वो सूख रहा है। देखिए कितनी बुरी तरह झड़ रहे हैं इसके सारे पत्ते ना, ये देखें नीचे से है हल्का हल्का सा आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए। लेकिन जिस तरह से सूख रहा है ना, उसी हिसाब से आ नहीं रहे हैं, तो भाई डर लग रहा है मुझे कहीं सूख ही ना जाए। मैं बहुत प्यार से लेके आई थी, गुरुद्वारे गई थी ना लास्ट ईयर गुरु नानक जयंती पे, तो वहाँ से लेके आई थी। कितनी दूर है, स्कूटी पे लेके गई थी मैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला। लेकिन अभी थोड़ा हो रहा है ड्राई ड्राई, चलिए देखते हैं कुछ करूँगी इसके लिए। और इस तरफ ये मनी प्लांट है, ये भी ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पत्ते सूख जाते हैं इसके। लाइट चालू करनी पड़ेगी, और बर्तन वगैरह सारे साफ कर लिए मैंने, दूध भी मेरा ठंडा हो चुका है, थोड़ी देर में इसको फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पे है सफ़ेद चने, इसमें दही है, पूरी जो किचन है वो एकदम क्लीन है। अभी मैं थोड़ी देर में डालूँगी चावल, और ट्राईपॉड भी बीच में घूम रहा है। ये सारी मेरी किचन जो है वो एकदम बढ़िया से क्लीन हो चुकी है। और थोड़ी देर में बर्तन लगाऊंगी, ये सुबह के बर्तन है, सुबह मॉर्निंग के बर्तन है, हम तीन जन ही है लेकिन फिर भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। बस थोड़ी देर में इनको मैं सूख चुके हैं, इनको भी लगाऊंगी स्टैंड में, पहले डाल देती हूँ चावल, तब तक चावल भी बन जाएंगे और शिल्पी भी अपनी क्लास से फ्री हो जाएगी। देखिए मैंने फटाफट से जब तक चावल बनते हैं तब तक बर्तन वगैरह भी लगा लिया, पूरा टब जो है खाली कर दिया। उसके बाद फिर जल्दी से खाना खाएंगे और थोड़ा सा साथ में बनाऊंगी कुछ स्नैक्स, देखती हूँ क्या बनता है। वैसे चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं वही बना लूँगी, क्योंकि लंच में ना मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसे साथ में क्रंची खाने के लिए हो, या तो मैं टिक्की वगैरह बना लेती हूँ दाल वगैरह हो तो। लेकिन आज दाल वगैरह कुछ नहीं मैंने भिगोया था, तो देखती हूँ चिप्स हैं वही फ्राई कर लूँगी तेल में, और जल्दी से बन भी जाएंगे। तो शिल्पी को भी अच्छा लगता है कि साथ में जैसे लंच है तो कुछ मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खाने के लिए साथ में है। सफ़ेद चने तो बनाए हैं मैंने, चलिए देखते हैं क्या बनता है। इसके ऊपर डालेंगे पेरी पेरी मसाला, बहुत टेस्टी लगता है ये। ये मैंने घर पे खुद ही बनाया है। बस इतना सा काफी है, और अभी करेंगे लंच। इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, ये जल्दी से खराब नहीं होता है, काफी लंबा चलता है फिर। यहाँ पे सफेद चने और चावल और स्नैक्स, और ये कल वाला अचार। मैंने अदरक और एक लहसुन लिया है, हरी मिर्ची नहीं लिया मैंने अभी, क्योंकि मैंने कल रात को भी खाई थी थोड़ी सी, तो तीखी तीखी लग रही थी, लेकिन ये बहुत टेस्टी है, इतना सा लूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, खट्टा खट्टा एकदम ना, थोड़ा सा लेके। बहुत खट्टा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको गलने में ना।
अभी हम खा लेते हैं खाना और आप वीडियो को कंटिन्यू करिए और चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ और बेल को ऑल पे क्लिक करिएगा। चलिए तो मैं अभी कर लेती हूँ लंच।